स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वन प्लस का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड हेल्प इस पर क्लिक करना है। वाईपर सॉरी, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये देखिए मोर साउंड एंड हेल्प इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए डायल पैड ट्यून। तो राइट साइड से हम इसको डिसेबल कर देंगे और आपका ये डिसेबल हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं, जैसे कि अपने डायल पैड पर जाएंगे और यहाँ पर एक नंबर डायल करेंगे तो वो जो साउंड आ रही थी वो अब नहीं आएगी, ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।